छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने दो पिस्टल और 10 राउंड के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि तीनों युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामला गीदम थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक गीदम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गीदम जगदलपुर रोड स्थित ढाबे में तीन व्यक्ति अवैध हथियार लेकर किसी घटना को अंजाम देने के लिए बैठे हैं, जिसके बाद पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दंतेवाड़ा से विजय पचौरी की रिपोर्ट। आज दिनांक 20/1/2024 को दंतेवाड़ा जिला के थाना गीदम अंतर्गत मेन सिटी से 6 किलोमीटर दूर AVNJ ढाबा में मुखबिर की सूचना अनुसार तीन संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर थाना गीदम के द्वारा एवं साइबर टीम के द्वारा जाकर तस्दीक किया गया, जिसमें तीन व्यक्ति विक्रम यादव उर्फ सेल्फी, युवराज उइके और तीसरा व्यक्ति था किशन उर्फ किट्टू ठाकुर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिनका तस्दीक करने पर उनके पास से 2 नग पिस्टल और 10 राउंड प्राप्त हुए, जिनके बारे में किसी प्रकार दस्तावेज नहीं मिला, जिस पर थाना गीदम के द्वारा कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज कर 34 भादावी एवं 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।